Wow, amazing. Wow. और इस तरफ हो गया हॉस्पिटल का मेन एंट्री वाला गेट और सामने तरफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए अंदर चलते। अभी हम लोगों को आने वाला है जो आप लोग पूरा ब्लॉग में नहीं देखा, ऐसा एक व्यू दिखाने वाला हूँ। ब्लॉग अच्छा लगने से प्लीज। हेलो नॉर्थ ईस्ट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने एक छोटा सा ब्लॉग लेके आया हूँ और वो भी आज कोहिमा से। मैं हूँ फिलहाल कोहिमा पर और कोहिमा नगा हॉस्पिटल, जो कि यहाँ पर कुछ काम है, काम की सिलसिले पे आया था और यहाँ का कुछ हॉस्पिटल का किस नज़ारा थोड़ा दिखाने के लिए कोशिश करूँगा इस ब्लॉग पर, और जाने का टाइम में कुछ व्यू दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग बने रहना ब्लॉग पर और नया हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए ब्लॉग करते स्टार्ट। तो गाइस, ये हो गया, देखिए नागा हॉस्पिटल का सामने तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह है। देखिए पार्किंग का एरिया पूरा खचाखच भरा हुआ है गाड़ी से, और ये हो गया आपका हॉस्पिटल। तो फिलहाल चलिए अंदर में क्या क्या है देखते हैं, और अभी फिलहाल चलते इस तरफ। और गाइस, ये हो गया कोहिमा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो नागा हॉस्पिटल। और इस तरफ देखिए क्या क्या है, ब्लड सेंटर और एमआरआई का सब इस तरफ है। और गाइस देखिए, यहाँ से देखिए क्या शानदार व्यू देखने को मिल रहा है हम लोगों को। वाओ, अमेजिंग। वाओ, और हम लोग नीचे तरफ से इसी रास्ते से आया था। देखिए तो चलिए अभी हॉस्पिटल का अंदर। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा चार्ज भी है हॉस्पिटल का ठीक बगल में। अंदर में शायद कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो गाइस, ये हो गया सामने तरफ हॉस्पिटल का इमरजेंसी वाला जो काउंटर, और इस तरफ हो गया हॉस्पिटल का मेन एंट्री वाला गेट और सामने तरफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए अंदर चलते। ये हो गया न्यू ओपीडी, और इस तरफ देखिए ओपीडी है, जो काउंटर भी इस तरफ ही है। चलिए एक बार अंदर चलते, थोड़ा आगे चलते हैं। ये हो गया मेल वार्ड। और इस तरफ हो गया वेटिंग हॉल शायद, और इतना बड़ा फार्मेसी। तो गाइस, यहाँ का जो काम था वो खत्म हो चुका है। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और आगे का जो व्यू है वो अभी फिलहाल दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। पर चलिए निकलते यहाँ से, और आज हम लोग लेके आया बॉस का गाड़ी, तो चलिए निकलते। और साथ में देखिए मेरा साथ कौन आया, उसको तो पहले दिखाया होगा एक शायद एक दो ब्लॉक में। तो कौन है एक बार कमेंट करके बोल देना, ठीक है। तो निकले यहाँ से, हो गया, चलिए लेट्स गो। आज कोहिमा का वेदर बहुत बढ़िया है ना, क्या बोलते हो? बहुत अच्छा है ना। क्या व्यू निकल के आ रहा है देखो सामने तरफ।
सेफ जर्नी। विजिट अगेन। तो चलिए हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। कोहिमा वाला एंड हो गया गेट। ये हो गया गाइस पबजी ब्रिज। क्या ब्रिज? पबजी ब्रिज। कौन नाम दिया इसका? ब्रिज तो बहुत खतरनाक है भाई। जो भी है अच्छा है। तो गाइस चलिए एक बार उतरते यहाँ पर और देखते यहाँ का फ्रूट का वेजिटेबल का बहुत सारे दुकान है। क्या क्या इसका यहाँ का रेट कैसा है एक बार देख लेते। चलिए उतरते यहाँ से। देखिए यहाँ पर क्या शानदार व्यू है यहाँ पर। और ठीक हाईवे का नज़दीक में इस तरह का वेजिटेबल का वेज का फ्रूट का दुकान बहुत सारे है। देखिए और यहाँ का रेट कैसे है? एक तो देख किमान मीठा होगा कि नहीं होगा? मीठा होगा ना। हम रोज बेचता है कोई आदमी भी खा के कंप्लेन। इसको उसका दाम कितना है? 100 रुपया है। अच्छा अच्छा थोड़ा दाम मिला के लो ना। एक किंग चिली कितना है राजा मोर्चा का? 200। ओ माय गॉड। गाइस देखिए आजकल पैसा पेमेंट के लिए इसके नार तो हर कोई दुकान में रखता है। देखिए बहुत सारे आइटम दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या है ये? क्या चीज है? मीठा है ना ये? और ऑरेंज कैसे है? 200। माय गॉड। क्या लिया? पाइनएप्पल। चार पीस में कितना लिया? 200। गाइस हम लोग अभी फिलहाल फिदीमा पर रुका है थोड़ा खाना वाना खाने के लिए और उसका बाद आगे का फिर जर्नी शुरू करेंगे। ठीक है। और गाइस यहाँ पर देखिए बहुत सारे होटल मिल जाएगा इस तरफ लाइन बाय लाइन। आप लोग भी आने से यहाँ पर कोई भी एक होटल पे रुक के खाना वाना खा के फिर आगे का जर्नी शुरू कर सकते और खाना भी अच्छा अच्छा खाना मिल जाता है यहाँ पर। तो चलिए एक बार अंदर चलते। और देखिए गाइस यहाँ का होटल भी देखिए काफ़ी साफ सुथरा है और देखिए लुक्स थोड़ा बहुत ही साफ सफाई है। मिल गया मिठाई? हम लोग का मेन सब थोड़ा कुछ मिठाई वगैरह ले रहे हैं। यहाँ का मिठाई कुछ फेमस है बोल रहे हैं। पैकेट में कितना है? कम नहीं चलेगा? इतना कम नहीं है।
देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना, 50 रुपीस पैकेट में। ये बुंदिया अच्छा होगा नहीं, ये टांग देखो ना पूरा हार्ड है, अच्छा नहीं होगा। आप लोगों यहाँ पर होटल पर क्या क्या है, खाने में क्या क्या है? पूरी है, रोटी है, चिकन, मटन, फिश, दाल, चावल भी मिल जाएगा ना, तो सब मिलेगा दीदी मुझे, सब मिलेगा। तो गाइस हम लोग का खाना पीना हो चुका है और अभी हम लोग आगे का जर्नी शुरू करने वाला है जो दिमापुर जाके ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो खाना कैसा था मैडम? बढ़िया था ना। चलिए हम लोग चलते और आगे का व्यू कैसा है वो भी दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। हम लोग ठीक लास्ट तक एंड तक बने रहना। तो फिलहाल चलिए ये हो गया आगे का व्यू, अभी इस तरह हम लोग जाने वाला है, चलिए लेट्स गो। तो गाइस देखिए व्यू देखिए, और अभी हम लोग आने वाला है, क्या आने वाला है, मिजी बोमा ना। सुनाओ जो भी सुनाएगा वही सुनेगा। वो तो ऊपर देखो पाइनएप्पल का पूरा बगीचा लगा हुआ है। देखो सुनाओ ना, तो आपको सब सुनाएगा, बोल है ना, मिक्स करा लो, लास्ट में बंगाली का गाना डालेगा। देखो हम लोगों को मिजी बोमा टाउन मिल चुका है गाइस, ये हो गया मिजी बोमा। इस तरफ चला जाता है घास पानी। এতিয়া চুমু ক্ৰছ কৰা আছে বুলি মই ৰাস্তা যাই কিনে লৈ ল'ব দ একো নহয়, হোৱাটছএপ ফটো পঠাবি আৰু কপি আপুনি লাহে হাতে ৰাখিবি। अभी हम लोगों को आने वाला है जो आप लोग पूरा ब्लॉग में नहीं देखा, ऐसा एक व्यू दिखाने वाला हूँ। तो सामने आने वाला है इस तरह का एक व्यू दिखाने वाला हूँ, थोड़ा वेट कीजिए आप लोग ना। आगे हम लोग जो पूरा ट्रिप का सबसे बढ़िया वाला व्यू, देखो तो क्या लग रहा है, तो बीच में से ऊपर ऊपर में देखो ना, सनलाइट भी ऐसा मार रहा है, क्या व्यू, बढ़िया लग रहा है। देखो यार कैमरा में तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। देखो आगे हम लोगों को क्या मिलने वाला है, झरना पानी ना, झरना पानी, झरना पानी कोई बोलता है क्या, कुकी दलोंग। अब भी कुछ बोल दो, ट्रिप कैसा लगा, इधर में देख के बोल दो कैमरा का सामने में, एंजॉय किया ब्लॉग अच्छा लगने से, ब्लॉग अच्छा लगने से प्लीज शेयर सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो और कमेंट्स भी दे देना। थैंक यू।
गाइस ये देखिए हो गया नागालैंड का फर्स्ट टोल गेट, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, पता नहीं कब स्टार्ट होगा। बहुत भरा है टोल गेट। अभी हम लोगों को मिलने वाला है चिमूक डिमा। तो हम लोगों को फाइनली दिमापुर टाउन मिलने वाला है ना, तो अभी हम लोगों को चिमूक डिमा मिल चुका है। यहाँ से कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, हार्डली 15 मिनट। चलो ठीक है गाइज, आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। इस तरह का ब्लॉग आगे और भी चाहिए तो कमेंट करने से हम लोग ज़रूर बनाने के लिए कोशिश करेगा ना। और नागालैंड पर क्या फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 1 से शुरू होने वाला है, वो भी टाइम मिलने से दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। और दिमापुर टाउन का ट्रैफिक जबरदस्त ट्रैफिक। तो गाइस आप लोगों का आज का ब्लॉग कैसा लगा पता नहीं, आई होप अच्छा ही लगा होगा। और आज की ब्लॉग यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। और हम लोगों का जर्नी भी ख़त्म हो चुका है, तो अभी फिलहाल हूँ दिमापुर पर और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले एक नया ब्लॉग पर, अभी के लिए फिलहाल टाटा बाय बाय।